नमस्कार कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सूर्य स्पोर्ट ट्रिपल एस एन जी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप देख सकते हैं, और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए कैंसर देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की पहले करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, कैंसर के जो पर्सन है वो कैंसर के लिए क्या फील करते हैं, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं अभी उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं आपके लिए कि अभी इस रिश्ते में सेल्फ मतलब पहले सिंगल रहते हुए अभी मतलब जो रिश्ता है उसे पहले अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो जो है रिश्ता खुद ब खुद आगे चलेगा। और वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बाद, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद, अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बाद एक डिटरमिंड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह इसमें करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे वो आगे बढ़ेंगे। और इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं और रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है। लेकिन अभी जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं लेते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक वो उन्हें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो स्टेबल होंगे, प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न, कोई दुविधा नहीं होगी। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी, और इसमें समय 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है। अभी वो पैसा प्रॉपर्टी के लिए कोशिश कर रहे हैं और तभी वो आपके पास रिश्ता लेने के लिए वापस आएंगे। देख लेते हैं कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वंड्स। तो कैंसर अभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में भी हैं। अभी भी लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, तो इस उस दर्दनाक हादसे को, जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इस रिश्ते में हुआ, उसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। अभी भी इन परेशानियों को, इन दुविधाओं को आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इन बैगेजेस को आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, अभी इस रिश्ते को छोड़ते हुए, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप अब इस रिश्ते में रहेंगे, पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको लगता है कि आपको ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और आपकी भावनाओं को समझा जाए। जब आपको लगेगा कि आप इसे उन पुरानी बातों को भूल चुके हैं, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस ख़त्म हो गया है, रुकावटें आने बंद हो गई हैं, तो जब आप इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से, इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकलेंगे, तो तभी आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे।
या फिर नए अगर आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आता है तो उसकी तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में नए रिश्ते की तरफ मूव करेंगे और कुछ केसेस में लगता है कि जब उनको लगेगा कि उन्हें अब इस रिश्ते में जाना चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खत्म हो गया है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, तो वापस एक बिगनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए। अभी इसमें वो नहीं चाहते कि कोई भी बिगनिंग कोई भी शुरुआत हो, क्योंकि अभी वो दुखी हैं और परेशान हैं, तो इसलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं फिलहाल के लिए। तो देख लेते हैं कैंसर अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। लेकिन क्या है ना कैंसर, आपके पर्सन तो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, जो वो इसमें जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो यानी कि इस रिश्ते में जो वो अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आई हैं, ये तो जो क्रॉस मार्क पर खड़े हुए हैं, उनको एक तरफा मतलब एक तरफा उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए, एंजाइटी स्ट्रेस है, दूसरी तरफा उनको लग रहा है कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पटिया खोलते हुए वो आगे बढ़ेंगे तो जो है ये रिश्ता बहुत एक नया मोड़ एक नया अंजाम लेगा। तो आंखों से पटियां खोलते हुए वो सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में, क्योंकि वो आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, भले ही आप चाहे आपको कितनी ही इस रिश्ते में रुकावटें बाधाएं दिक्कतें लग रही हों, लेकिन फिर वो आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि आगे जाकर आप उनके सोलमेट हो सकते हैं, तो इसलिए और उनको जो आपका काम करने का नज़रिया है वो अच्छा लगता है, वो उनको महसूस करते हैं कि वो आप हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, तो आपके साथ वो एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक छोटा मोटा टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ हो जाता है तो अपने मन की बात एक दूसरे से कही जा सकती है और जो रिश्ता थंबा हुआ था, रुका हुआ था, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है और ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, हैप्पीनेस जो है इस रिश्ते में आ सकती है, खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, भले ही चाहे अभी आप रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन तो आपके साथ वो चाह रहे हैं कि आप इस क्रॉस मार्क से बाहर निकलें, एंजाइटी स्ट्रेस से परेशानी से बाहर निकलें, आँखों से पट्टियाँ खोलें और इस रिश्ते के बारे में सोचें और जो है आपके पर्सन इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आपके साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप उनका साथ देंगे तो वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, सॉरी गाइस, यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स ही क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आप यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं, यही संकेत देना चाह रहे हैं कि आप जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास और ऑप्शन भी हों और रिश्ते भी आए हों, लेकिन अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ही भले ही आप कितना ही बोल रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, अभी रुकना चाहते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी प्यार और प्रेम है, भले ही आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस तो दोनों तरफ से हैं, तो अगर आप अपने इमोशंस जाहिर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे,
तो क्योंकि दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन और आकर्षण है, तो ये रिश्ता आगे जाकर एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा और ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं, काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा अगर आप इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे और फिर से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।